नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अभी मौसम जो बदल रहा है, तो हमारे जो पशु हैं उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं ये जो बछड़ी है इनमें जो है परेशानियां, बीमारियां बहुत जल्दी आती हैं। अभी मौसम बदल रहा है तो इस बछड़ी को जो है बुखार हुआ है, और सबसे बड़ी जो पहचान है उसकी ये है कि इसने ये जो इसके नाथू हैं इस पे पसीना नहीं है, और इसका शरीर जो है गर्म है बहुत ज़्यादा। आप इस तरह से माप कर देख सकते हैं, या फिर आप थर्मामीटर से नाप सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्या हम उपचार कर सकते हैं जो हम घर पर ही अपनी प्राथमिक चिकित्सा कर सकें। तो दोस्तों, आजकल कई तरह की एलोपैथी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम एलोपैथी दवाइयाँ बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं, जहाँ हम होम्योपैथी चिकित्सा में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल और आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारे पास में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और जो स्पेशली हम जो बुखार में जो यूज़ करते हैं वो है अर्निका। ये आप देख सकते हैं अर्निका 1000 इसकी पोटेंशी है, इसको यूज़ करना है। दूसरा ये बेलाडोना, ये भी 1000 में है, इसको यूज़ करना है। आपने लेना किस हिसाब से है, बच्चे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको इसको देना है। अब देखते हैं, आप इस तरह से एक सिरिंज ले लेंगे, इसमें आप नाप सकते हैं, इसमें केवल हमें 2 ml इसको देनी है, दोनों 1 ml अर्निका और 1 ml बेलाडोना। इस तरह से हमने 1 ml अर्निका ले ली है, ये अर्निका आप देख सकते हैं। दूसरी जो हमारी औषधि है वो है बेलाडोना, 1 ml हम इसको लेंगे। ये जो हमने दोस्तों आपको जो हम दवाइयां बता रहे हैं ये केवल ओरल के लिए है, आप केवल इसका मुंह पे स्प्रे करें, उसके बाद आप इसके निडल हटा देंगे और इस तरह से इसके मुंह में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये प्रयोग हमने दिन में 2 बार करना है। आप देखेंगे कि दूसरी बार के प्रयोग में हमारा जो पशु है वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, और जो है उसका जो बुखार है और जो इस तरह की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, यदि आपको समझ ना आए कि हमारे पशु को कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से हमारा पशु चारा नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या फिर जो है असुस्त है, तो उसके लिए आप बेलाडोना सबसे अच्छी दवाई है, औषधि है 1 ml की। आपको दिन में 4 से 5 बार 1-1 ml उसकी जीप पर डालनी है, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।